नमस्कार, आज का एजेंडा लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज 30 तारीख है, यानी महीने की आखिरी तारीख। नोटबंदी के बाद का ये पहला सैलरी डे है। जी हां, आज से तमाम सरकारी और निजी संस्थानों में सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। सरकारी से लेकर ज्यादातर प्राइवेट नौकरी वालों को 30 से 60 के बीच सैलरी मिलती है। सिर्फ केंद्र सरकार के ही 50 लाख एम्प्लॉयज और 58 लाख पेंशनर्स हैं। ऐसे में अब चुनौती ये है कि कैश की किल्लत के बीच ये सैलरी कैसे मिलेगी। आपके मन में भी ये सवाल खड़ा हो रहा होगा, आप अपनी सैलरी कैसे निकाल पाएंगे, महीने की शुरुआत में मकान के किराए से लेकर दूसरे बिल कैसे चुका पाएंगे। इन सवालों के तमाम जवाब हमारे इस बुलेटिन में हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जिस तरह से सैलरी डे है, इससे जुड़ी 5 अहम सवाल भी कहीं ना कहीं आपके जहन में उठ रहे होंगे। क्या वो सवाल है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या मुझे पूरी सैलरी एक बार में मिलेगी, ये वाकई कई लोगों का सवाल है। तो जवाब ये है, अगर सैलरी बैंक में आती है और 24,000 से कम वेतन है तो आप पूरी सैलरी एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है इससे तो आप सैलरी नहीं निकाल पाएंगे पूरी, क्योंकि लिमिट भी उसमें तय है। अब सवाल दूसरा आता है कि सैलरी 24,000 से ज़्यादा हो तो फिर उसका जवाब है, अगर सैलरी खाते में आती है तो एक बार में पूरी सैलरी नहीं निकाल पाएंगे। हर हफ्ते की विड्रॉल लिमिट चूंकि 24,000 रुपये है तो एक हफ्ते में आप 24,000 ही निकाल सकते हैं। 24,000 करके 3-4 हफ्तों में आप निकाल पाएंगे पैसे को, अगर आपको ज़रूरत है उतने कैश की तो। अब तीसरा सवाल ये आता है कि क्या बैंकों में कैश की किल्लत दिक्कत अभी भी बनी हुई है। तो जवाब है, ऐसे बैंक जिनमें ज़्यादा सैलरी और पेंशन अकाउंट्स हैं उन्हें 20 से 30% ज़्यादा कैश दिया जा रहा है ताकि विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम ना आए, लोग आसानी से पैसा निकाल पाएं। बैंकों ने पिछले 4 से 5 दिनों से एटीएम और काउंटर पर कैश फ्लो में कमी भी आई है ताकि सैलरी देने के लिए कैश बचा रहे, मौजूद रहे। अब चौथा सवाल ये आता है कि 24,000 से ज़्यादा कैश सैलरी वालों का क्या होगा फिर। जवाब है, उन्हें कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। हालांकि ऐसी छोटी कंपनियों कारखानों वालों को 50,000 रुपये निकालने की छूट है, लेकिन हर बार बैंक से पूरे पैसे मिलते नहीं हैं। इसलिए ऐसे में ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल कैंप लगाने के लिए कहा गया है ताकि वो अपने अकाउंट्स खुलवा सकें। पांचवा सवाल यह है कि बैंकों ने खास तैयारियां की हैं क्या, जो कैश चुकी वो कम है, अब ऐसे में सैलरी आ रही है आज और कल लोगों को निकालना होगा, पेमेंट भी करने होंगे, तो क्या खास तैयारियां की गई हैं। जवाब है हाँ, ज़्यादातर बैंकों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो बैंकों ने RBI से ज़्यादा कैश मांगा है, अपने ATM में भी काफ़ी कैश फ्लो के इंतज़ाम उन्होंने किए हैं। SBI की ब्रांच समय से पहले खुल लेंगी, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन के स्पेशल काउंटर बनाए जा रहे हैं ताकि कोई मुश्किलें ना आए किसी को। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जनधन खातों को लेकर। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से एक सप्ताह में अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं, लिमिट तय कर दी गई है। रिजर्व बैंक के अनुसार फुल्ली KYC वाले जनधन अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में एक माह में अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। वहीं नॉन KYC वाले अकाउंट होल्डर्स के लिए ये लिमिट 5,000 रुपए तय की गई है। RBI के नोटिफिकेशन के अनुसार फुल्ली नो योर कस्टमर यानी कि KYC वाले अकाउंट होल्डर एक महीने में 10,000 रुपए अधिकतम निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने हालांकि ये भी कहा है कि अगर अकाउंट होल्डर को और रुपए की जरूरत है तो वो ब्रांच मैनेजर की इजाजत पर 10,000 की तय लिमिट से ज्यादा निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए ब्रांच मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकाउंट होल्डर को वास्तव में अधिक पैसे की जरूरत है। तो तमाम चीजें हैं, इसके बीच कहीं ना कहीं अभी भी एक आम आदमी लाइन में ही लग रहा है पैसे निकालने के लिए। KYC के तहत लिमिट भी तय कर दी गई है, 10,000 आप निकाल सकते हो। अगर ज्यादा जरूरत है तो फिर आपको बैंक मैनेजर से इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो नोटबंदी की मार किसानों पर जमकर पड़ रही है। कानपुर में 1,00,000 मीट्रिक टन आलू सड़ने
से अब खतरा पैदा हो गया है। ये आलू कानपुर कन्नौज बेल्ट के 250 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में डंप है और किसान स्टोरेज का किराया भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने दिसंबर से उनका आलू सड़कों पर फेंकने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वहीं लखनऊ में किसान यूनियन ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों को मुफ्त में आलू बांटा। अब किसान चूंकि इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, कैसे बेचा जाए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोल्ड स्टोरेज में आलू पड़ा हुआ है, अब सड़ने की स्थिति आ चुकी है क्योंकि कैश नहीं है। ऐसे में कैसे पेमेंट किया जाए ये एक बहुत बड़ी किल्लत है। अब ये कहा जा रहा है प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वही आलू को मुफ्त में लोगों को बांटा जा रहा है। तो कानपुर से ये तस्वीर सामने आई है। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी 500 बोरी आलू रखी थी, वो नोटबंदी तक 700 रुपए बोरी थी और नोटबंदी के बाद 200 रुपए बोरी बिकी, सब चली गई। अब ये 3 लाख रुपए की आलू थी, उसमें मुश्किल का 30,000 रुपए खड़े हुए हैं। होगा क्या नहीं, ये तो जानवर खाएंगे और जानवर खा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से जब मिल, एक तो मिल का किराया मुझको देना है, दूसरी बात जो आड़त पर जाएगा इसका, यहाँ पर जो लेबर लगे हुए हैं तो लेबरों को भी 10-15-20 रुपए हमको यहाँ का 30-40 रुपए खर्चा आता है, और यहाँ जाने पर जब मंडी जाएगा तो ये जब 130 रुपए बिकेगा तो मेरा खर्चा नहीं निकल रहा, तो हम लोग तो इनको छोड़ के जा रहे हैं, मिल वाले समारोह या अपना समारोह, मुझे जरूरत नहीं है। तो जब तक तो बिक रहा मार्केट में तब तक तो चाहे 100 रुपए में बिके चाहे 50 रुपए, तब तक तो जाएगा, इसके बाद ये कोल्ड मालिक फ्रेम फेंकेंगे, कोई छुटाने नहीं आएगा। ठीक है, ये आलू 500 रुपया पैकेट बिक रहा था दिवाली तक, जैसी नोटबंदी लागू हुई है वो आलू अब 100 रुपया पैकेट का नहीं रह गया है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके पास ना कुछ पैसे हैं ना आगे खाद बीज लगाने के पैसे हैं, वो जो ये आलू है बिल्कुल फिक गया है, उससे जो भी इसको बेच करके जो भी कुछ मिलना था सब स्वाहा हो गया, बिल्कुल किसान मर के रह गया आलू वाला।